कैसे हो मेरे एनसीआर की पब्लिक, और अभी क्या हुआ था, हम खेल रहे थे, गोलू उस तरफ था और जो एनसीआर वोल्टेज छुपने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, वो यहाँ खड़ा था। तो बहुत ही इजी, मतलब आराम से गोलू ने किक मार कर दिया और यहाँ पर आते ही इसने ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करी, सोच रहा था क्लच मारूंगा। तो फॉल है, मतलब फुटबॉल है, उछल के इस वाली जो इधर जो पेड़ दिख रहा है ये, इस पेड़ में चले गया। तो फिर वो तो सही है, हमारे जानने वाले एक छोटा सा बच्चा पीछे रहता है, वो बड़ा हो चुका है, तो वो गया और जो फुटबॉल है वो वापस ला के दिया, मतलब बाद में लेंगे हम इसे। और ये मनुष्य सकल फुटबॉल, ये मनुष्य है, मैं डेली खेला, हमने फुटबॉल खेला हूँ आज तक, ऐसा नहीं हुआ। ये है वो, उसका नाम है एनसीआर वोल्ट, मतलब इतना बड़ा नूब कोई हो सकता है क्या? और इसका कल था बर्थडे, परसों था, हमने तो आज मनाया, लेकिन हमने आज बर्थडे मनाया, और इसका बर्थडे में इसके दोस्त ने जो भी वहां पर खड़ा होता है वो रहा, वो ये हो रहा हीरा हीरा हीरा। बोलो कौन सा गाने लगाया था? हैप्पी बर्थडे यार मैंने तो कोई पंजाबी गाने लगाया था, मतलब बहुत ही ज्यादा फनी। ये ना उसका ना बचपन का दोस्त है, मतलब BFF बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। ये एक साथ मतलब खाना भी खाते थे, नहाते थे, स्विमिंग पूल भी जाते थे पहले दोनों। फाइनली अब काम के 7 बजने वाले और मैं सुबह से बहुत ज्यादा बिजी था, इस चक्कर में मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया, तो इसी वजह से अभी मतलब आज आप मेरे इंस्टा पे जाके मेरी फोटोज देख सकते हो, मैंने अपलोड कर दिया खतरनाक वाली। इसने बोला था कि ये सुबह सुबह मॉर्निंग पे फोटो क्लिक करने जाएगा, बट ये नहीं गया जैसा मैंने बोला था। हम दोनों सपने देख रहा था। गाइस जो आज की फोटो जो क्लिक करवाई है मैंने इन लोगों से, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनसे मैंने सही काम करवाया है, फोटोज स्क्रीन पे भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक भी मिल जाएगा। एनसीआर वोल्ट बहुत ही बड़े विशाल राजपूत कैमरामैन से मिलूंगा, जो 100 फोटो में से बिल्कुल पूरी 4 या 3 फोटोज तो निकालता ही निकालता है, बिल्कुल परफेक्ट, जो क्रॉप करके कलर एडिट 2-2 बार करनी पड़ती तब जाके अच्छी बनती है। और उनका नाम है एनसीआर वोल्ट विशाल राजपूत उर्फ वासु। जब हम फर्स्ट राइडिंग पे गए थे, कहाँ गए थे, इंडिया गेट गए थे, तो ये हमारे साथ गया था साइकिल राइडर, जिन्होंने जस्ट अभी साइकिल खरीदी है, नाम नहीं बताऊंगा साइकिल का, नाम नहीं बताने का, फिर लोग सर्च मार लेंगे, जल्दी मिलता नहीं गूगल पे। नहीं है वो, मैं वो बनाती है जैसे भी, और वो सब बड़ी बड़ी गाड़ी, हाँ जो हमारी साइकिल की जो ब्रांड है ना, वो इतनी बड़ी कंपनी है, वो बड़ी बड़ी जेसीबी ट्रक बनाते हैं, बड़ी बड़ी मशीन बनाते हैं। तो ऑर्डर पे हमने 2 साइकिल बनवाई थी, MTB हाइब्रिड फुल 28 गियर्स 28 भी आते हैं, 28 आते हैं, 7 जा 4-7 जा आते हैं बस 28। यू नो गलती से पास हुआ तो 10th क्लास में, वो सही है, मैंने 10th और 12th में से पढ़ाया थोड़ी बहुत, रात में थोड़ा बहुत टाइम दे दिया करता था, इसी वजह से ये पास हो गया। और ये जो इंसान है ये तो फ्री में पास हो गया, मतलब हैप्पी लॉकडाउन कट रहे हैं भाई इनके तो। गाइस लास्ट 2 या 3 दिन का सीन ये है कि मुझे जो वीडियो है एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो शायद मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया भी है, वो मुझसे गलती से डिलीट भी हो गया था, बट अभी व्लॉग 2-3 दिन तक और नहीं आने के, उसके बाद डेली शाम के 6 बजे शेड्यूल लग जाएगा, कंटिन्यू आएंगे। मेरे 5 गाइस हैं, मेरे पास 5 एम्प्लॉय हैं जो मेरे लिए काम करते हैं। अभी भी आज संडे के दिन है ना, तो मैं अभी बाहर गया था, तो बाहर मीना गुप्ता कन्फेक्शनरी है, मैं बिना मास्क के नहीं जा रहा था, मैं मास्क के साथ ही जा रहा था, तो पुलिस वाले खड़े थे, तो मैंने क्रॉस करके अपना काम करके वापस आ गया, और जो बिना मास्क वाले थे इन जैसे इंसान, उनमें डंडे पड़ रहे थे और इन्हें मुर्गा भी बनाया जा रहा था। हम तो बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है, ओ भाई ये मेरे पास सारे टी शर्ट अच्छी लगती है। बोलू हाँ बता, कल वो आंटी क्या करती थी पीछे वाली थी? हाँ आंटी का कल आंटी फोन चलाते चीनी खा रही थी वीडियो कॉल पे, और एक आंटी फोन पे बात कर रही थी। ये सामने वाला घर है येलो कलर का, वहाँ पे लोग बैठे हुए दिखा नहीं सकता, बिल्कुल सेंटर में जो खड़ा ये इतनी होने के बाद वासु द्वारा निकाली गई थी। जब हम बायोग्राफी डालते हैं ना तो मेल फीमेल डालते हैं, लेकिन साथ में कस्टम, इस वजह से ये कभी कभी इसकी आवाज बाहर आ जाती है ऐसे।
तो गाइस अभी मिस्टर फ्लैक्स मतलब गोल्ड नीचे गया लेंस लेने 70-300 और जो वहाँ पीछे क्राइस्ट पे जो ऊपर कबूतर बैठे हैं दिख रहे होंगे आपको, नहीं दिख रहे होंगे तो फिर हम आगे शॉर्ट्स में दिखा देते हैं। हम उनको कवर करने वाले हैं, कल काफी रात हो गई थी फोटो शूट करते हुए इस वजह से हम उन्हें कवर नहीं कर पाए थे, बट हम उसे आज कवर करने वाले हैं। ये टी शर्ट मेरे को अच्छी लग रही है, मतलब मुझे भी फील हो रहा है, मैंने कल फोटो क्लिक कराई थी ना तो अच्छी आ रही थी, तो मैं सोचा ऐसी 3-4 टी शर्ट और ऑर्डर कर लूँ। सेम डिजाइन पैटर्न यही होगा बट कलर में भी अलग हो। अभी लेंस लेकर आ चुके हैं, सेटअप करते हैं जल्दी। अभी जो आपको क्राइस्ट दिख रहा है इसके ऊपर जो कबूतर बैठे हैं उनको लेते हैं, बस टाइम पे ये उड़ना स्टार्ट कर दें तो अच्छी लग पाए। अभी जस्ट ने मुझे एक बात याद आई है, आज हम सब ने मिलके विशाल राजपूत को टैग किया था क्योंकि उसका एक दो दिन पहले बर्थडे था, तो हमने आज टैग किया था और क्या मस्त मस्त मतलब स्टोरी लगाई है ना हमने, वो सारे की सारी स्टोरी आपको जाके ही चेक करना पड़ेगा। जाओ फॉलो करो विशाल राजपूत, मिस्टर फ्लैक्स गौरव कुमार, सत्येंद्र सिंह, फ्लैक्स ऑन फायर, फ्लैक्स ऑन फायर बेबी, जस्ट जोकिंग फिर से बोल, फ्लैक्स ऑन फायर, मजाक कर रहा है, मजाक नहीं है ये, बहुत फायर कर, जैसे ही बर्तन धोने का टाइम आता है, जैसे ही बर्तन धोने का टाइम आता है ना उस टाइम फ्लैक्स ऑन फायर, पोंछा मारने की बारी आती है, फ्लैक्स ऑन फायर, ये जल रहा है, ये बंदा बहुत ज्यादा मतलब मेहनती है, ये मेरी फेम से जो फायर में है, जल रहा है कैमरे के सामने बोलना, फायर इज ब्लशिंग, यू आर ब्राइड बॉबी, बंदवा छत पे बैठा है और वो उसी यहाँ पे, शायद इसी वजह से वो कैमरे के सामने आने से शर्मा रहा है। बताओ हमारी एनसीआर की पब्लिक, मना तो कर दे कम से कम, एनसीआर की पब्लिक, वी आर गोइंग टू वायरल। गाइस अभी रात के 1 बज रहे हैं और हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया है तो कर दीजिए, तो मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, बाय।